प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच चल रही तनातनी को लेकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में आपस में लड़ाई हो रही है, तो ऐसे में राजस्थान का विकास कैसे होगा। राजस्थान के नाथद्वारा में हुई रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक दूसरे पर सियासी निशाना साधा। रैली में जहां सीएम ने विपक्ष के सम्मान करने और लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने के अधिकार की बात कही, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम गहलोत की मौजूदगी में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे देश में कुछ लोग ऐसी विकृत विचारधारा के शिकार हो चुके हैं, इतनी नकारात्मकता से भरे हुए हैं कि देश में कुछ भी अच्छा होते हुए देखना नहीं चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ कल यानी गुरुवार को महाराष्ट्र राजनीतिक संकट पर फैसला सुना सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि कल हम दो मामलों में फैसला सुनाएंगे। कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुना सकती है। रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज मतदान हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुआ चुनाव। वहीं पंजाब की जालंधर विधानसभा सीट पर हुआ मतदान। पूर्व प्रधानमंत्री को अलकादे ट्रस्ट मामले में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो के आदेश पर रेंजर्स ने मंगलवार को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए रावलपिंडी स्थित कार्यालय ले जाया गया। बाद में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार रात को खान की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि एएनबी ने उनकी गिरफ्तारी के दौरान सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की थी। हिंसा प्रभावित मणिपुर की स्थिति में धीरे धीरे हो रहा है सुधार। बीती दो दिनों में राज्य में हिंसा की कोई नई घटना सामने नहीं आई है। अधिकारियों ने बताया कि इम्फाल पश्चिम, बिशनपुर, बुरा चंदपुर और जेरीबाम सहित 11 प्रभावित जिलों में बुधवार को सुबह 5 बजे से 6 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई। वहीं मंगलवार को इन जिलों में कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील दी गई थी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म, 13 मई को आएंगे नतीजे। भारतीय सलामी बल्लेबाज केएल राहुल के दाहिनी जांघ की सफल सर्जरी हुई है। उन्होंने इस बात की पुष्टि सोशल मीडिया के जरिए की है। इंडियन टी20 लीग में आज चेन्नई और दिल्ली के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। यह मुकाबला चेन्नई में खेला जा रहा है। ममता सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में द केरला स्टोरी पर लगाए गए बैन पर अनुराग ने इनडायरेक्ट तरीके से रिएक्ट किया है। उन्होंने ट्वीट किया, आप फिल्म से सहमत हैं या नहीं, यह काउंटर प्रोपेगेंडा हो, आपत्तिजनक हो या नहीं, इस पर बैन लगाना गलत है।